शास्त्र नाम छ नमस्तस्मै ओम विष्णुवे पार्वत आत्मने ओम अग्ने शान्ति होत। चंदनम प्रतिवेदता चंदनम सर्वम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः माता मणि आप लगाइए वहां को माँ को चंदन सब लगा एक ही बात है वो अलग बात है लेकिन नहीं तो पहले अहंकार पत्नी ये हाथ लगा दीजिए दूसरे में सबका पूजा ले लेंगी माता जी। चावल थोड़ा छीटिए। ओम अक्षता सुरश्रेष्ठा कुमारता सुधोता अक्षता समर्पयाम ओम धूम दुर्गा ये नमः बड़े वाले माला ले लीजिए सब हाथ लगा लीजिए लोग हैं सब हाथ लगा। ओम माल्यादीन सुगंधिनी माल्यादीन मित्रो भयहरण पुष्पान गृहा पंडित्वा इदं पुष्पोऽस्तु माल्यं समर्पयाम ओम धूम दुर्गा ये नमः। ये बीच में हां छोड़िए छोड़िए हां साल लगा रहे हैं तो लगाने ये बीच में नहीं वो पीछे कर आराम से गिरे हो गया हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो न्यू ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफस्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूं। और ये दशहरा का नौमी वाले दिन है और नौमी अष्टमी का ब्लॉग आ चुका है, दांडिया नाइट वाला। तो बहुत सुंदर ब्लॉग है, आप जाके देख सकते हैं, लाइव हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक लाइक और कमेंट एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और सपोर्ट किया कीजिए। और अभी मैं अपने ये घर की पूजा पाठ करने के बाद क्लब हाउस में आई हूँ और वहाँ ये नौमी का पूजा, क्योंकि हमारे क्लब हाउस में नवरात्रि मनाई जाती है हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो नौमी का अभी पूजा पाठ होके इनका विसर्जन होगा, होम होगा फिर विसर्जन होगा, तो उसी की तैयारी हो रही है। और सारे हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी आरती वगैरह करके फिर हवन होगा तो उसमें शामिल होंगे, उसके बाद कन्या पूजन होगा, फिर भंडारे होगा। और इसी पार्ट में इसी ब्लॉग में विजयादशमी का भी मैं ऐड कर दी हूँ, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। तो जो दशहरा का पीछे का माता रानी आई हुई हैं उनका विसर्जन होगा, वो कल माता चली जाएंगी, तो ये सब भी मैं इस ब्लॉग में ऐड की हुई हूँ, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो 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 एमसीसी सिग्नेचर हाइट के सभी निवासियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ हवन शुरू होने जा रहा है, लोग बैठ चुके हैं, आप अपना आइए और हवन रखना राइट निभाइए। ये अंतिम दिन आज है, अपने अन्य कामों को छोड़ करके इसमें अवश्य आइए, पांच बार तुमने हवन में हवन डालिए। जय श्री राम जय श्री राम तो अभी हवन हो चुका है, अब हम लोग कन्या पूजन की तैयारी में
लग जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कन्या को भोजन कराएंगे, उसके बाद भंडारा बटेगा। तो ये देखना है हम लोग भंडारा का। तो सब कुछ हो गया तैयारी, अब कन्या पूजन बैठाने से पहले माता का भोग लगाएंगे, और माता का भी भोग लगेगा, और वहाँ पीछे मंदिर है, मंदिर में भी जाके उनको भी भोग लगाएंगे, और उसके बाद कन्या पूजन पे बिठाएंगे। तो यही सब तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं सब, और कितने सब लगे हुए हैं, और पूरा जो 9 दिन तक सब इस काम में लगे थे, आज उसका समापन होगा। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं थकी ही हूँ, और इसके बाद अभी करवा चौथ, फिर उसका दिवाली की तैयारी। तो ये सीताफल की सब्जी, चने, आलू, टमाटर की सब्जी, पूड़ी और हलवा, ये था। और ये देखिए कंचके आ गई हैं, कंचके को बिठाया जा रहा है, और उनको पहले उनका कंचके पूजन किया जा रहा है। तो देखिए यही है हमारा क्लब हाउस, आप लोग ऐसे भी पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखे ही हैं सब कुछ। पिछले साल का भी मैं सारा ब्लॉग डाली थी, उससे पिछले साल का भी डाली थी, तो लगातार जब से ब्लॉग बना रही हूँ तो। और ये देखिए ये बाहर कंच के पूजन हो गया, भंडारे का बाहर भंडारा शुरू हो चुका है, तो भंडारे के लिए सब लोग आ गए हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग रहेगा, तो ऐसे तो करूँगी तो 1 घंटे का हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट करके डाल रही हूँ। तो देखिए आप लोग अब कितने सारे हैं, नौमी में यहाँ पे, और विजयादशमी दिन पीछे जो छठ घाट पे हो रहा है, जहाँ माता आई हुई हैं, तो वहाँ पे होगा भंडारे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, और सबको विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि बीत गई और आज दशहरा का दिन है, तो और पीछे इतना पूजा पाठ में सारे में व्यस्त टाइम बीत गई, पता ही नहीं चला कैसे 9 दिन बीत गए और 10वां दिन आ गया। ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाई, तो थोड़ा वो जो पूजा पाठ का मैं 1-2 ब्लॉग ना इकट्ठा ही मैंने इसीलिए डाल रही हूँ कि सब दिन तो पूजा में ही लगी रही, तो कुकिंग का तो कुछ ज़्यादा शूट हुआ नहीं, तो ज़्यादा नहीं मैं सब दिन का कीर्तन का डालूँ, सुबह का आरती का डालूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा और बोर होते रहेंगे, तो 3-4 दिन का मैंने एक साथ कर करके। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, दांडिया नाइट थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो ये सभी जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं पीछे ब्लॉग में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने के मिले। और चलिए मैं चलती हूँ, नीचे मेरी फ्रेंड लोग सब इंतजार कर रही है विजयादशमी में, वहाँ पीछे छठ घाट में जहाँ मूर्ति है उनका विसर्जन होना है, आरती होना है, तो सम्मिलित होते हैं। और कल हमारे यहाँ भंडारा हुआ था सोसाइटी में, आज वहाँ पे भंडारा है। तो चलिए बहुत पूरा माहौल जो है, सारा वातावरण माता रानी के ये में, प्यार में, भक्ति भावना में सब उमड़ा पड़ा है, सब भावीभोर हो रहे हैं, और आज माता चली जाएंगी हमारे बीच से, तो मन तो दुखेगा ही ना। तो चलिए आज माता की विदाई की भी फोटो डालूंगी, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो जल्दी से चलते हैं। कृत धूम्र विलोचन
जिनकी गाड़ियां गेट के पास बाहर में खड़ी है उसको जरा साइड कर ले ताकि वहां टेबल लगे, और इस रास्ते के सारे स्कूटर को हटाकर इधर उधर कर ले या नीचे ले जाएं ताकि वहां से पानी का टैंकर जा सके। हाँ, अभी पूजा आरती सब कुछ हो गया। अब हम लोग जो अष्टमी वाले दिन खोइंछा भरे थे, मैं ब्लॉग में डाली थी, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। ये अष्टमी के पूजन वाले दिन हम लोग खोइंछा भरते हैं माता रानी का। तो आज विजयादशमी वाले दिन पूजा होने के बाद ये बांटा जा रहा है सभी बहनों को। तो मुझे भी मिला था, तो एक नारियल और साथ में कुछ श्रृंगार का सामान मिला था। जितनी सारी बहनें थी सबको नारियल मिला, सबको श्रृंगार का सामान। समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे होने की होता है पूजा, और सब बहुत सारी बहनें आती हैं और सब चाह रही हैं कि हमें थोड़ा सा मिल जाए। कि वो एक सुहाग की निशानी होती है, प्रसाद होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो सभी चाहते हैं कि हमें मिले। और जो भी मिलता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। और भी रस देख रहे हैं ना आप लोग। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे नारियल मिल गया और प्रसाद मिल गया, तो मैं लेके कहाँ घूमती, मेरी तो बगल में सोसाइटी है, तो मैं सोची कि घर पे जाके रख के आऊँ, तब तक फिर दुर्गा जी का बस मैं फटाफट आई, तब तक दुर्गा जी वहाँ से विदा हो चुकी थी। विसर्जन तो जरूर अच्छा लगेगा, तो जरूर कमेंट कीजिए प्लीज। सारा हम लोग जिम्मेदारी है कि हम लोग उस चीज फॉलो करें और अपनाएं अपनी जिंदगी में। और ये देखिए दुर्गा माता आ गई, इनका विसर्जन की प्रक्रिया शुरू है। वहाँ से पंडाल से उठ के आ गई थी, तो मैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते आई थी यहाँ पे। ये तालाब है हमारा, और इसी तालाब में छठ की पूजा होती है। छठ वाले दिन भी खूब रस रहता है, पूरा यहाँ पे खचाखच भरा हुआ रहता है। और पूरे राजनगर सोसाइटी से सारी बहनें आती हैं, सारे सबकी फैमिली आती है यहाँ पे छठ घाट पे छठ करने के लिए। हो सकता है शायद इस बार मैं गाँव नहीं जाऊँ तो मैं यहाँ पर रहूँगी, तो आप लोग को ये छठ का भी कार्यक्रम आप लोग को दिखाऊँगी। और ये देखिए माता आ गई और माता को विदा हो रही है, जा रही है। इतना रौनक था, इतना सब कुछ, चार दिन तक रंगारंग कार्यक्रम, और इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम इस बार हुआ कि सब बहुत खुश थे और पता ही नहीं चला था कि दिन और रात कैसे बीते जा रही है। तो माता रानी की जय। और इतनी बड़ी प्रतिमा थी माता रानी की, और विशाल, इसको भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। जो लोग लगे हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और दिन रात सेवा में लगे रहे, लीन रहे।
दुर्गा माता की जय। हो गया, माता रानी विदा हो गई, सोना कट गई, सब कुछ है ना। हाँ, 10 दिन से सब सेवा में लगे रहे हैं एकदम। फिर 6 महीना बाद फिर यहाँ चैत्र नवरात्र फिर आएंगी दुर्गा माता की जय। देव है, ब्राह्मण देव है। बस हम लोग पंक्ति बनाते हुए बड़ी शालीनता के साथ, इसीलिए हमने बाहर के स्टॉल के साथ अपने सोसाइटीज के स्टॉल को मिक्स नहीं किया है। यहाँ हम सब जो अपने देखिए, जैसे लग रहा है होली खेल के आ रही हूँ, ऐसे ही सारे खेलते ही हैं। माता रानी का ही तो सिंदूर से खेलते हैं, गुलाल सिंदूर से इसलिए नहीं खेले कि पैरों में गिरता है, तो इस बार सब गुलाल ही लगाए। और माता रानी को विदा करके सब अपने अपने अभी सब भंडारे ले रहे हैं। मैं घर में आ गई क्योंकि हाथ में बहुत सारा कलर लगा था, तो मैं अपना लेके आ गई और यहीं पर खा लूँगी। तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।